बॉलीवुड का बच्चन परिवार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। कभी घर में होने वाले विवाद की वजह से, तो कभी अपनी लाइफस्टाइल और प्रॉपर्टी को लेकर। सोशल मीडिया पर बच्चन परिवार में दरार की खबरें आती रहती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चन फैमिली और ऐश्वर्या राय के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, वो कई बार अलग अलग भी स्पॉट होते हैं। इसी बीच एक और खबर सामने आई है, वो क्या है जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। बच्चन परिवार बी टाउन के सबसे सम्मानित परिवारों में से एक है। परिवार के मुखिया अमिताभ बच्चन को लाखों लोग प्यार करते हैं और उनका स्टारडम हर दिन बढ़ता जा रहा है। सुपरस्टार लगभग 6 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में है। वो अपने शानदार अभिनय से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। 81 की उम्र में भी अमिताभ बच्चन बिना रुके काम करते जा रहे हैं और सिल्वर स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। साल 1973 में अमिताभ बच्चन ने बंगाली सुंदरी जया बच्चन से शादी की थी। उनके 2 बच्चे श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन हैं। जहां श्वेता ने बिजनेसमैन निखिल नंदा से शादी की है, वहीं अभिषेक ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन से शादी की है। जया और अमिताभ बच्चन अपनी नाती नव्या नवेली नंदा व नाती अगस्त्य नंदा के नाना नानी और आराध्या बच्चन के प्यारे दादा दादी बन चुके हैं। साल 2008 में अमिताभ बच्चन ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के दौलतपुर गांव का दौरा किया था और अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम पर एक डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी थी। उनके साथ अभिषेक बच्चन, जया बच्चन और ऐश्वर्या भी थी। उसके अलावा उस समय समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह व मुलायम सिंह यादव भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। 2012 में कॉलेज का नाम बदलकर ऐश्वर्या बच्चन गर्ल्स इंटर कॉलेज कर दिया गया था, जो हायर सेकेंडरी की छात्राओं के लिए है। बिग बी ने बिल्डिंग के निर्माण के लिए कॉलेज को 5 लाख रुपए का चेक दिया था। कथित तौर पर अमिताभ बच्चन ने कॉलेज के निर्माण की जिम्मेदारी निष्ठा फाउंडेशन को दी थी। इसके अध्यक्ष जया बच्चन है। हालांकि निष्ठा फाउंडेशन ने कॉलेज का निर्माण नहीं किया और बाद में इसका दोष अमिताभ बच्चन के सेवा संस्थान पर मढ़ दिया गया। गाँव वालों ने कॉलेज बनने का 1 दशक से भी ज्यादा इंतजार किया, लेकिन जमीन पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। प्रोजेक्ट शुरू होने का व्यर्थ इंतजार करने के बाद गांव के एक शिक्षक के पिता ने कॉलेज बनाने के लिए 10,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन दान की। जब बिग बी की संस्था ने कॉलेज का काम रोक दिया, तो दौलतपुर के लोगों ने इसके लिए पैसे इकट्ठा किया और उस प्लॉट के बहुत नजदीक एक कॉलेज बनवाया, जहां अमिताभ बच्चन का कॉलेज होना था। हालांकि आज तक ये पता नहीं चल पाया कि बिग बी ने प्रोजेक्ट को क्यों छोड़ा। बता दें कि कुछ समय से मीडिया में ऐश्वर्या राय बच्चन और बच्चन परिवार के बीच अनबन की खबरें छाई हुई हैं। एक्ट्रेस कई बार खास मौके पर भी अकेली स्पॉट होती हैं, जिसकी वजह से ये कयास लगाया जाता है कि बच्चन परिवार में सब कुछ पहले जैसा नहीं है। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि घर में ये तनाव प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है। फिलहाल ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम पर सपनों का कॉलेज छोड़ने के अमिताभ बच्चन के फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।